तो दोस्तों ये हमारे पास ब्रांड न्यू फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला ये बॉक्स जो कि कुछ इस तरीके का पैकेजिंग आता है। तो गाइस फटाफट से इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं क्योंकि ये मैंने खोल लिया था इतना तो। तो गाइस जैसे इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोटो G42 यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है यानी कि ये फ़ोन कैसा होने वाला है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो गाइस फटाफट से इसकी सील को हम करते हैं ब्रेक और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ कॉन्टेंट मिल जाता है। तो गाइस फाइनली बॉक्स ओपन हो चुका है। जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ही ये रखा गया हुआ है मोटो G42 यहाँ पे आप देख ही सकते हो। लुक एट दिस गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो मतलब बात करते हैं आगे। और गाइस नीचे की तरफ आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। यानी कि ये कुछ अलग सा फील हो रहा है मुझे। मैंने आज तक अनबॉक्स तो बहुत सारे डिवाइस किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज ये है मोटोरोला का कुछ यूज़र मैनुअल यानी कि इस फ़ोन को आपको कैसे यूज़ करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक थोड़ा बहुत यूनिक सा सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप सिम कार्ड वगैरह जो बड़े आराम से चेंज कर पाओगे। और ये सब रखते हैं साइड में। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जर यार एक स्मॉल चार्जर है। आजकल आपने देखा होगा कि इतने बिग चार्जर आते हैं यानी कि जो एडेप्टर होता है वो इतना बड़ा होता है आप इसको इजीली कैरी कर पाओगे ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा करते हो तो। तो गाइस हमारे पास है 20 वॉट का ये चार्जिंग एडेप्टर जो कि हमारे फ़ोन को 20 वॉट से चार्ज करता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर में आपको टाइप ए टू टाइप सी एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है जिसकी मदद से आप चार्ज भी कर पाओगे और डेटा ट्रांसफ़र भी कर पाओगे। ओके गाइस लेट्स कीप दिस असाइड। तो गाइस अब बारी आती है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था यानी कि मोटो G42 की। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का लेमिनेशन देखने को मिल जाता है तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो गाइस फाइनल स्क्रीन गार्ड जो वो रिमूव हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले। और गाइस जल्दी से हम इस फ़ोन को जो बूट कर लेते हैं और ये केस के साथ ही आता है यानी कि आप देख सकते हो पावर बाय एंड्रॉइड मोटोरोला की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और गाइस बात करते हैं कुछ फिजिकल ओवरव्यू की। तो गाइस यहाँ पे आपको बैक साइड पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे पहला कैमरा लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे आपको साथ में एक फ्रेश एलईडी लाइट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मोटोरोला की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे मोटोरोला का लोगो दिया गया हुआ है। और गाइस फोन के यहाँ पे आप देखते हो राइट साइड में तो यहाँ पे आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। ठीक उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है। और गाइस फोन के ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। ठीक उसके पास में ही आपको एक 3.5 mm वाला हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम इसको केस जो निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे सिम ट्रे आपको देखने को मिल जाती है तो हम इसको भी ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर हम क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो यहाँ पे आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है यानी कि इस फ़ोन में आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड जो बड़े आराम से चला पाओगे। और फ्रेंड्स बात करते हैं फ़ोन के नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको एक प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे अगेन आपको स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो मोटोरोला के पहले स्मार्टफोन आते थे उसके साथ आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को नहीं मिलता था। तो गाइस फटाफट से इस फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। आई होप कि इसको कैसे सेटअप करना है आप सब लोग जानते होंगे तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पंच होल डिस्प्ले के अंदर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जहाँ पे लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और गाइस इसके कलर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें रोज़ कलर जैसा देखने को मिल जाता है यानी कि आप देख सकते हो बहुत ही यूनिक सा कलर है। जो मोटोरोला के फ़ोन थे वो ब्लैक या स्पेस ग्रे उस टाइप के कुछ आते थे और ये एक यूनिक सा कलर हमें इस बार देखने को मिल जाता है। और गाइस इस फ़ोन के साथ आप जो ड्यूअल 4G सिम कार्ड लगा सकते हो। और गाइस बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की FHD+ AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसकी नॉर्मल रिफ्रेश रेट है 60Hz यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलती है।
और गाइस इसकी जो ब्राइटनेस है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी 700 nits ब्राइटनेस है। तो आपको शायद आउटडोर में भी इस फ़ोन को यूज़ करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और यहाँ पे गाइस बात करते हैं, इस फ़ोन के अंदर IP52 सर्टिफिकेशन आता है, तो पानी के छींटे बीटे जो गिरते हैं तो आपका फ़ोन इतना कुछ जल्दी ख़राब नहीं होगा। और गाइस बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स आता है। और गाइस मोटोरोला ने एक मेजर अपडेट का प्रॉमिस किया है, यानी कि एंड्रॉयड 13 भी इसके अंदर हम देख पाएंगे। और गाइस इसके अंदर आपको सिक्योरिटी पेज जो है वो 3 इयर्स के अपडेट भी देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस जैसे इस फ़ोन का आप कैमरा ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल मैंने रूम के अंदर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मोटो G42 का कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फ़ोटो सैंपल, और आप कमेंट्स में बताना कि आपको इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। तो गाइज अभी जो आपने फोटो सैंपल देखे हो, मैंने इसी मोटो G42 के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक किए थे। वैसे मैं इसका एक अलग से कैमरा टेस्ट भी करने वाला हूँ, इसके बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाले हैं, तो वो भी ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। और दूसरे फ़ोन के साथ मैं कंपेयर भी करने वाला हूँ इसका कैमरा। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बैटरी को लेके। तो दोस्तों ये था मोटो G42 का रिव्यू। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।